हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ट्राइबल्स द कूज एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज. एज यू नो स्टूडेंट्स, इन आवर अर्लियर पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट लॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल्स ग्रुप. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज टॉपिक इज द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, यानी जो व्यापार के साथ क्या समस्याएं आने लगी. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स स्टार्टेड कमिंग टू मोर ओवर इन फॉरेस्ट वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑफरिंग कैश लोन्स एंड आस्किंग ट्राइबल ग्रुप्स टू वर्क फॉर वेजेस. 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग जो ट्रेडर्स थे और मनी लैंडर्स थे, वो शुरुआत हो गई उनकी आना फॉरेस्ट में. मोर ओफन इन फॉरेस्ट वांटिंग, और वो किस वजह से आते थे जंगलों में, क्योंकि वो खरीदना चाहते थे, बाय करना चाहते थे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो जंगलों से वस्तुएं मिलती थी उनको वो खरीदना चाहते थे. सो ऑफरिंग कैश लोन्स, और जिसके लिए वो कैश लोन्स भी प्रोवाइड करते थे उन लोगों को, ताकि वो लोग जो हैं लोन्स ले सकें. एंड दे आस्किंग टू ट्राइबल ग्रुप्स टू वर्क फॉर वेजेस, और उन लोगों से जो ट्राइबल ग्रुप्स है ये कहा जाता था कि वो वेजेस एज वर्क फॉर द वेजेस, यानी वेजेस के लिए मजदूरी करें उनके लिए, यानी ब्रिटिशर्स के लिए. वो क्या करें, जो मनी लेंडर्स हैं या व्यापारी हैं उनके लिए क्या करें, वेजेस यानी मजदूरी करें. सो हजारीबाग वॉज एन एरिया वेयर संथाल्स रियर्ड कोकून्स. हजारीबाग एक प्लेस है जहाँ पर, एक एरिया है जहाँ पर जो संथाल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, वो रियर करते हैं, यानी पालते हैं किसको, कोकून्स को. सो कोकून्स आपको पता ही होगा क्या होता है. द ट्रेडर्स डीलिंग इन द सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कोकून्स. जैसा आपको पता है जो कोकून्स यूज़ किए जाते हैं सिल्क बनाने के लिए, तो जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो डील करते थे, डीलिंग इन द सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स, और वो एजेंट्स भेजा करते थे ट्राइबल ग्रुप्स के पास, और उनको वो लोन भी प्रोवाइड करते थे, पैसा भी दिया करते थे, लेकिन जो उसकी रेट थी वो कम थी. तो किस लिए उनको लोन्स प्रोवाइड करते थे ट्राइबल ग्रुप्स को, ताकि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क और कोकून्स को रियर करें, सिल्क प्रोड्यूस करें और कोकून्स को ज़्यादा से ज़्यादा रियर कर सकें. इसी वजह से वो वहाँ से क्या करते थे, कोकून्स कलेक्ट किया करते थे ताकि वो उससे सिल्क बना सकें. नाउ दीज कोकून्स वर देन एक्सपोर्टेड टू गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइसेस. यानी जो कोकून्स हुआ करते थे उनको एक्सपोर्ट किया जाता था गया, जहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बाद उनसे जो प्राइस मिलते थे उनको 5 times ज़्यादा मिलते थे, यानी 5 गुना ज़्यादा उससे वो मुनाफा कमाया करते थे, प्रॉफिट गेन किया करते थे. और वो जो संथाल कम्युनिटी से खरीदा करते थे, परचेस किया करते थे, वो कम पैसों में परचेस करके और 5 times ज़्यादा प्राइस पर उनको सेल किया करते थे. सो द मिडिल मैन हु अरेंज्ड डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट. अब इसमें जो मिडिल मैन हुआ करता था, जो अरेंज करता था डील करवाता था दो पार्टीज़ के बीच में, एक्सपोर्टर्स के बीच में, बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स, जो सिल्क ग्रोअर हुआ करते थे और जो एक्सपोर्ट किया करते थे उनके बीच में जो डील कराते थे वो होते थे मिडिलमैन, और जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था डील कराने के लिए. सो द सिल्क ग्रोअर्स अर्न वेरी लिटिल. जो सिल्क ग्रोअर हुआ करते थे उनको जो अर्निंग हुआ करती थी बहुत ही कम हुआ करती थी, यानी लोअर प्राइसेस पे, बहुत ही कम प्राइसेस पे उनसे वो कोकून्स खरीदे जाते थे, लेकिन उनको वो सेल हायर प्राइसेस पे करते थे, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था. जो ग्रोअर्स थे सिल्क ग्रोअर्स, उनको कम
बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन सर्च फॉर वर्क। द सर्च फॉर द वर्क यानी किसकी तलाश में, काम की तलाश में। सो द कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च फॉर ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स। यानी जो कंडीशंस अब ऐसी हो चुकी थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों की कि अब वो लोग अपने होम्स जो थे उनके घरों को क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे और उनसे बहुत दूर जा रहे थे इन सर्च ऑफ, यानी किसकी तलाश में, काम की तलाश में। और जो कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स के थ्रू ऐसे रूल्स रेगुलेशंस इम्पोज कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे, जिनको वो क्या नहीं कर पा रहे थे, बियर नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो लोग जो अपने एरियाज हैं या जहाँ पे रहते थे वो लैंड को छोड़ रहे थे, किसकी तलाश में, काम की तलाश में। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप, द माइनिंग बिकेम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। 19th सेंचुरी के लेट जो टी प्लांटेशन थी यानी जो बागवानी थी, टी प्लांट की जाती थी, टी प्लांटेशन शुरू हो गई थी। और जो माइनिंग भी यानी जो खदानों में खुदाई हुआ करती थी, माइनिंग का काम होता था, मिनरल्स निकालने का काम होता था, एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया और ये इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। यानी टी प्लांटेशन की शुरुआत होने लगी 19th सेंचुरी के और माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम, जिसके लिए जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ के लोग थे या ट्राइबल्स थे उनको रिक्रूट किया जा रहा था, यानी भेजा जा रहा था बहुत अधिक नंबर्स में टी प्लांटेशन करने के लिए। कहाँ पे भेजा जा रहा था, आसाम में भेजा जा रहा था उनको लेबरर बना के, यानी काम करने के लिए टी प्लांटेशन करने के लिए। एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड, और कोल माइंस में भी भेजा जा रहा था, जो कोयले की खान होती थी वहाँ पे लेबर वर्क करने के लिए झारखंड में उनको भेजा जा रहा था। पेड मिसरेबली लो वेजेस, और वहाँ पर उनको भेजकर उस जो मजदूरी है उनको बहुत ही वेजेस हैं कम दिए जाते थे, यानी कम पैसे उनको दिए जाते थे। नाउ एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम देम फ्रॉम रिक्रूटिंग होम, और उनको रोका जाता था, प्रिवेंट किया जाता था कि वो रिक्रूट दोबारा से अपने घर पर ना जा सकें। तो इस तरीके की कंडीशंस थी ट्राइबल ग्रुप्स की जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रहा करते थे और रूल्स रेगुलेशंस उनके थ्रू जो इम्पोज किए गए थे इंडिया पर और इन ट्राइबल्स ग्रुप्स पे, डिफरेंट फॉरेस्ट के जो न्यू लॉज सेटअप किए गए थे। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।